सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को प्रखंड कार्यालय रूनी सैदपुर में वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विनय कुमार पासवान, रूनी सैदपुर प्रखंड अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी ने की। इस बैठक में सभी पंचायत से आए सभी सम्मानित सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं वार्ड सदस्य का कहना है कि मुखिया ग्राम पंचायत में मनमानी कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर वार्ड सदस्य बहुत आक्रोशित हैं। बैठक में उपस्थित प्रखंड सचिव रवि तिवारी, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रताप राय, प्रखंड उपाध्यक्ष रेखा देवी, लोकेश कुमार समेत क्षेत्र के कई वार्ड सदस्य एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। देखिए सुधीर कुमार झा की रिपोर्ट। नाम है रेखा देवी, पंचायत 4 नंबर वार्ड। मुझे वार्ड में कोई काम नहीं मिल रहा है। मुखिया जी को मतलब कि मुखिया जी हम लोग के काम दीजिए, तो बोलता है आप लोग के काम कुछ नहीं है, आप लोग का भूमिके नहीं, तो भूमिका नहीं है तो वार्ड सदस्य हस्ताक्षर कैसे करवा देंगे, हम लोग कैसे हस्ताक्षर कर दे। तो हम लोग साइड हो गए हैं, 8 वार्ड साइड हो गए हैं। तो सचिव लोकेश कुमार मेरा नाम हुआ, वार्ड सदस्य पंचायत का। ये हम लोग को पंचायत सचिव द्वारा मुखिया जी द्वारा बताया जाता है कि आपको 24,000 में ही मरम्मत का कार्य करना है, इसलिए मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाता है। 15वीं योजना के जो भी योजना है वो मुखिया का है, वार्ड में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप लोग को कोई काम नहीं मिला। जे करेंगे तो मुखिया जी करेंगे, पंचायत सचिव करेंगे। यही कहना है हम लोग का। आज तक जो परिवार तुम्हें पंचायत में अभी तक वंचित है, किसी को नहीं मिला, कुछ किसी को मिला किसी को नहीं मिला। 15वीं योजना में जो भी कहते हैं मुखिया जी मेरा मनमानी चले गया, वार्ड सदस्य कोई अधिकार नहीं। मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ, ललतापुर पंचायत वार्ड नंबर 8 का वार्ड सदस्य मैं हूँ। इलेक्शन का 9 महीना हो गया, आज तक हमको कोई प्रभार नहीं मिला है। और सचिव का गठन हम आम सभा बुला करके लगभग 100 आदमी के सिग्नेचर के साथ कर लिए, जिस समय आदेश नहीं था वीडियो बनाना, उसके बाद आदेश हुआ वीडियो बनाना। गांव के कुछ एक आदमी सचिव के दबाव के देने के कारण आज तक हमको खाता खोल लेते हैं, न चार्ज दिए हैं, न प्रभार दिए हैं, न कोई कागज ऑडिट हुआ है। उसके बाद ऑडिट कराना 6,000 रुपये मांगते हैं, तो हम नया वार्ड सदस्य 6,000 रुपये कमाए एक भी नहीं है, 6,000 हम कहाँ से पदाधिकारी को देंगे। इसलिए आज तक हमको कोई चार्ज नहीं मिला, कोई प्रभार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जल नल का योजना अधूरा है, जिसमें निकासी अधिक है और 5,05,000 का MB है। उसमें कृपया अनुरोध यही है कि आएगा मार्गदर्शन चाहते हुए कुछ चार्ज प्रभार दिलाने का कष्ट करें। अपना परिचय दिया जाए। मैं विनय कुमार पासवान, प्रखंड अध्यक्ष रूनी सैदपुर, सह वार्ड सदस्य महासंघ, जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी। यहाँ जो आज रूनी सैदपुर प्रखंड में वार्ड सदस्य को माने मान सम्मान और अपमान जो किया जा रहा है मुखिया जी के द्वारा, DPRO के द्वारा, इसी के लिए आहूत बैठक का आयोजन किया गया। और ये समस्या अगर हम लोग को अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा और हम लोग को बगलाने का काम करेगा तो हम लोग DPRO को घेराव करेंगे। यही मैं अच्छा अब कहना यह है कि BPRO द्वारा जो इन लोग के मन में आक्रोश भरा हुआ है वो किस विषय में? DPRO द्वारा कहा जाता है कि तो आप लोगों को कोई काम नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कोई काम नहीं है, आप लोग अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। अच्छा, अगर जो खाता वाला जो काम करना है खाता संचालन के लिए। अध्यक्ष महोदय कहना यह है कि आपको यह सूचना किसी सदस्य द्वारा ही मिला होगा, वो सदस्य खुद गया। अच्छा, किसी वार्ड सदस्य का, मैं अपना वार्ड सदस्य काम करवाने गया था। जी जी, तब बोला गया जी ये आपको खाता खुलवाने के लिए 2 महीना सकता है, 3 महीना सकता है। अच्छा, और BPRO बैठते कहाँ है? प्रखंड कार्यालय में। अच्छा, नाम क्या है उनका? उसका नाम है मुकेश कुमार चौधरी। मुकेश कुमार चौधरी, और मतलब उनका कहने का विषय क्या होता है? कहने का विषय है कि मैं जिस तरह काम करना चाहता हूँ वो मेरा मर्जी है। अच्छा, उनका मानना है कि अफसरशाही। अच्छा, अफसरशाही है, लेकिन काम करने आए हैं वो भी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो तो काम करने के लिए ही प्रखंड में आए हुए हैं, तो फिर मनमानी करने का तो कोई विषय ही नहीं है। हम लोग अभी तो सोचे कि जितना माने गुड फेथ से काम किया जाए, शांति व्यवस्था बना के काम किया जाए, उतना विकास होगा। जी, लेकिन आप मनमानी कीजिएगा तो कैसे होगा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं कि मुखिया द्वारा दबंगई दिखाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है, तो मुखिया या तो गुंडा होगा वही दबंगई दिखा सकता है, जाए नहीं तो किसी का हक खाने का राइट तो नहीं है मुखिया को। कहना यही है कि माने आप लोगों कुछ नहीं है। जी जी, आप लोगों को मेंटेनेंस के लिए पैसा आया 36,000 रुपया, इसमें कार्य करना है। लेकिन उसको मुखिया जी को ये जानकारी नहीं है कि माने
जितना हमें नल जल अगर पूर्ण नहीं हुआ है तो पूर्ण कराने के लिए पैसा। नाम मैसा फरकपुर वार्ड नंबर 9 से बोले अजय ठाकुर जी। समस्या यही है कि 36,000 रुपया हमको मिला, बोल रहे हैं कि उसी में काम कीजिए, नहीं तो मैंने पांचे घर में मुखिया कहा कि पांचे घर में क्यों नहीं चालू किए कि आप 137,000 के बिल बनवा दीजिए, आपको पैसा नहीं मिले। मतलब कि आपको मिला 35,000 36,000 36,000 में आपने कितने घरों में नल जल का काम किया? 200 घर में नल जल के रिपेयरिंग करवाया, उसमें 137,000 का बिल बना हुआ है। अच्छा, ये जबरदस्ती हम लोग का दबाव करके मैंने काम करवाया। अच्छा, एजेंसी से काम करवाइए, एजेंसी से हम काम करवा के ओके कर दिए, जल नल मेरा ओके है, पैसा अभी तक नहीं मिला। अच्छा, तो अब कहना यह है कि आपको मिला 36,000, आपने 1.5 लाख का काम करवाया, कैसे 1,37,000 कहाँ से करवाया? जय करवाया तो आपने उतने का बाकी का जो शेष पैसा लगभग 1,00,000 रुपया आपने कहाँ से लाया था? पैसा वो लोग करवाया हुए एजेंसी को, जय जबरदस्ती हमारे काम करवाया। अच्छा, हमको लोग अब मुखिया जी शेष पैसा पास नहीं कर रहे हैं ऐसा? जय को हम कह रहे हैं स्टीमिंग बना के दीजिए, पैसा करवाइए मेरा। ये समस्या है आपका जी, धन्यवाद जी। बोला जाए, मैं वीरेंद्र कुमार वार्ड सदस्य बराही राम नगर पंचायत। हमारे यहाँ समस्या है कि अभी तक हम लोग को प्रभार नहीं मिला है नल जल, अभी तक खाता में 1 रुपया भी नहीं है, और इंदिरा आवास के नाम पर लोगों से 2,000 रुपया लिया जाता है नाम जोड़ने के लिए। अच्छा, अब महादलित का भी फंड आया हुआ है, इसमें भी जो उसको 25,000 मिला हुआ है, वो आदमी कहते हैं कि पहले 2,000 रुपया और कागज दो फिर आपका नाम जोड़ा जाएगा। बहुत सारा समस्या, आज तक किसी भी आम सभा में नहीं बुलाएगी। अच्छा, 2 अक्टूबर को विशेष आम सभा था, उसमें भी नहीं बुलाएगी। अच्छा, एक भी समस्या का निदान नहीं। महादलित बस्ती में जगह जगह पर पानी जमा हुआ है, वहाँ 1 सप्ताह तक नहीं, बहुत सारी समस्याएं। और मुखिया जी को जब भी कहते हैं उधर से सुनते हैं, उधर से निकालते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं जी, समझने की कोई पद है ही नहीं।